जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय सिंह के आदेश से मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर, मीनापुर और अन्य 13 प्रखंड के 58 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। अक्टूबर नवंबर में बिना सूचना के अलग अलग समय अवधि के लिए ये 58 शिक्षक गायब मिले थे। अभी इन्हें काम नहीं तो वेतन नहीं का भुक्तभोगी होना पड़ेगा। बिना अनुमति लिए स्कूल से गायब इन शिक्षकों को नोटिस भी दी गई है और उनके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक और क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी को विभाग की ओर से सूचना दे दी गई है। अपर मुख्य सचिव के पाठक की ज्यादातर जिलाधिकारियों से अच्छी बैठ रही है। कई जिलाधिकारी शिक्षा विभाग की इस मुहिम का सक्रिय समर्थन कर रहे हैं। पर्व के दिनों में भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों का निरीक्षण जारी रहा। बिहार में कुल सरकारी सेवक और पेंशनाधिकारियों की संख्या 5 लाख है, परंतु अकेले नियोजित शिक्षक 3.5 लाख हैं। नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर अब सरकार के नियमों के अधीन कैडर बन जाएंगे। इनकी बदौलत बिहार के 70,000 स्कूल भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी है कि नियोजित शिक्षक भी एक परीक्षा के द्वारा नियमित शिक्षक हो जाएंगे। इसके लिए मामूली परीक्षा ही होगी। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा, तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे और काफी पढ़ाई ठीक ढंग से होगी। अभी बीपीएससी से बहाली के बाद इस महीने के अंत तक शिक्षकों की ज्यादा संख्या स्कूलों में आ जाएगी। उनकी संख्या भी 1 लाख से अधिक ही होगी। इन्हें अध्यापक कहा जाएगा, न कि शिक्षक। संख्या का अनुमान भर इसलिए दिया जा रहा है कि कई उत्तीर्ण लोग भी दूर गांव में पोस्टिंग की वजह से ज्वाइन करने से इनकार कर सकते हैं। नए शिक्षकों में 20% तक वाले लोग हैं जो नियोजित शिक्षक थे और जो उनमें से 60,000 लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में भाग लिया था। यह भी चल रहा है कि अब कोई नियोजित शिक्षक या पारा शिक्षक नहीं कहलाए। नीतीश कुमार ने अभी फिर से यह बात दोहराई है कि नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसे नियोजित शिक्षकों की संख्या 3 लाख से अधिक है। इन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे और उनकी परीक्षाओं का संचालन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या BSEB कर रही है। इस तरह बिहार में शिक्षा सुधार के लिए केवल एक फ्रंट पर काम ही नहीं हो रहा है, बल्कि स्कूलों के बिल्डिंग, उनकी साफ सफाई, उनके शौचालय, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों के बैठने के लिए जगह आदि भी एक काम चल रहा है। बिहार के ज्यादातर जिलाधिकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में चल रहे हैं और इस सुधार अभियान का सहयोग कर रहे हैं।